खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आईजी और कमिश्नर नगर कोतवाली के चिलबिला बाजार पहुंचे और कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से आम लोगों के बचाव के लिए पुलिस कर्मी दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए सभी को अपने अपने घरों में रहना चाहिए। इस दौरान पुलिस सहायता केंद्र चिलबिला पर कुछ समाज सेवियों ने सीओ अतुल कुमार पांडेय और चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर गिरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। लेकिन जब अच्छा कार्य करते हैं इतनी मुश्किल की घड़ी में, जब लोग घरों में रह रहे हैं और सारे सफाई कर्मी, जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स की टीम है, जो पुलिस के लोग हैं, जो इशेंशियल सप्लाई में लोग लगे हैं, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो ये उनकी सेवाओं को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। तो ये पहल थी कि जब हम उनको, किसी को भी जो अच्छा कार्य करता है, जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो और मेहनत से काम करता है, उसको लगता है कि मेरी सेवाओं को किसी ने रिकग्नाइज़ किया। तो यही पहल थी कि हमने, जब हम लोग निकले प्रयाग से, तो रास्ते में जो धूप में लोग खड़े थे हमारे जवान, उनको हम लोगों ने फूल दिया। फिर उनसे बात की तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग थे जो मास्क पहन के आ रहे थे, उनको हम लोगों ने, उनकी प्रशंसा की, उनको फूल दिया। और यहाँ के कंट्रोल रूम में जो भी हमारे लोग थे, डॉक्टर्स थे, तो उन लोगों को जब कोई बड़े स्तर पर उनकी प्रशंसा करता है, उनकी सेवाओं की तारीफ करता है, कि उनका मनोबल भी बढ़ता है। तो ये पहल लोगों को और मनोयोग से, और भी त्याग और तपस्या के साथ, हौसले के साथ काम करने के लिए पहल की गई थी।